खोल ली, जिसके बाद पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी। साथ ही वाहनों की जबरदस्त चेकिंग भी की गई। झांसी में किसी ने यह अफवाह फैला दी कि 20 अप्रैल से कुछ दुकानदारों को छूट मिलेगी, जिसके बाद कुछ वाहन सुधारने वाले, जनरल स्टोर आदि कुछ स्थानों पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए, जिसे पुलिस ने तुरंत बंद करा दिया। इसके अलावा सड़कों पर अत्यधिक भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन पुलिस भी जगह जगह तैनात थी। सभी निकलने वाले वाहनों को पुलिस ने चेक किया। पुलिस ने नगर निगम के वाहनों को भी चेक किया। दरअसल कुछ दिन पूर्व नगर निगम के एक वाहन से शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त किया था। इसके बाद लगातार पुलिस किसी भी वाहन को नहीं छोड़ रही, सभी की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा सख्ती से सभी को मास्क पहनने की हिदायत भी पुलिस दे रही है। जिनके पास मास्क नहीं है, उनको कपड़े से मुंह बांधना सिखाया जा रहा है। साथ ही दोबारा न पहनने पर कठोर कार्रवाई की हिदायत दी जा रही है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।